मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम के अंदर इस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ई कैट में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और हम उनको किस तरह से डील करेंगे। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब मॉडुलस की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि ई कैट के अंदर है, विच इज इफ जेड इक्वल्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड। अब एक और क्वेश्चन है जहां पे जेड की जस्ट वैल्यू चेंज है, लेकिन उसने पूछा जी कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास चार ऑप्शंस होंगी। अब ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और कौन सा राइट वे है, उसके लिए हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर हम ऑप्शन पिक करते हैं या हम राइट अवे उस सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। देखें, सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं तो अनलाइक रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हमें प्लेन चाहिए। रियल नंबर तो हम नंबर लाइन पे ही प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि टू डायमेंशनल नंबर्स हैं तो लिहाजा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट करेंगे। इसका मतलब एक्स इज द रियल एक्सिस एंड वाई इज द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब चूंकि जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा है, दैट मीन्स कि एक्स जो है माइनस टू मीन वन एंड टू, ठीक है, और वाई कितना है प्लस थ्री, वन टू एंड थ्री। तो अगर हम रफली देखें तो ये नंबर कहीं पे यहां पे लाइक कर रहा है, दिस इज द पॉइंट पी, आई वुड से कि दिस इज द पॉइंट पी। अगर इस पॉइंट पी को हम ज्वाइन कर दें ओरिजिन के साथ, चले मैं दोबारा से इसको करता हूं, अगर इस पॉइंट पी को चले मैं रेड कलर के अंदर ज्वाइन करता हूं इस ओरिजिन के साथ, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड। अब मॉडुलस ऑफ जेड करना यानी जो लाइन सेगमेंट ओ पी है इसकी अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूं तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना आप काफी इजी है आपके लिए, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस मींस के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एक्स चूंकि नेगेटिव है बट दिस स्क्वायर विल मेक इट पॉजिटिव, ठीक है, चूंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाई पार्टनर स्क्वायर, और अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लें तो जेड मॉडुलस बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और अगर आप चूंकि लेंथ इज अ पॉजिटिव थिंग तो इसलिए हम इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की ही बात करेंगे। अब अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं, माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर रूट, सो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर और नाइन, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 13। अब ये बात याद रहे आपको कि अगर आप इसका जो है वो मिरर इमेज ले लें राइट साइड पे, इसका मिरर इमेज ले लें इस तरफ, इसका मिरर इमेज ले लें इस तरफ, अब जस्ट साइन में चेंजेस आएंगे, मतलब कहीं पे रियल पार्ट पॉजिटिव है तो कहीं पे रियल पार्ट नेगेटिव, और कहीं पे रियल जो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है और कहीं पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। अगर ये सारे एक दूसरे का मिरर इमेज है पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन सब का जो मॉडुलस होगा वो स्क्वायर रूट 13 ही होगा। तो लिहाजा मालूम हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तो स्क्वायर रूट जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और दूसरा है क्या कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस ले रहे हैं उसके मिरर इमेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लें तो सबका जो मॉडुलस होगा वो सेम आएगा। उसकी रीजन क्या है कि जस्ट साइन चेंज होने से, यानी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होने से जो मॉडुलस है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है कि एक्स भी हमारे पास स्क्वायर में है और वाई भी हमारे पास स्क्वायर में है, तो मॉडुलस ऑफ दिस नंबर इज स्क्वायर रूट 13। अब आगे बात, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है। मैं अगर यहां पे आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करूं तो इट्स वेरी सिंपल आर्गुमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, यहां पे मैं एक दफा दोबारा प्लॉट कर दूं, जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा था, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है अब आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड से मुराद के जो आपका मॉडुलस है, मॉडुलस जो कि ओपी लाइन सेगमेंट से हम रिप्रेजेंट करें, हमने देखना है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एंगल अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो। अब देखिए, मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये एंगल थीटा फाइंड आउट कर लू यूजिंग ट्रिग फंक्शंस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, अगर मैं एंगल थीटा फाइंड आउट कर लू और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट दिस एंगल व्हिच इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड।
अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं जो हूं तमाम वैल्यूज पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, यानी वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा. तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस. परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी वाई इज इट्स वाई ऑलरेडी पॉजिटिव है. एक्स जो है वो नेगेटिव है, उसका मैं क्या कर लूंगा एब्सोल्यूट, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स वाई आवर माइनस एक्स का एब्सोल्यूट. तो याद रहे कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो आप थीटा इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. इफ थीटा लाइज इन बिटवीन, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस आर इक्वल टू पाई, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई आवर माइनस एक्स का होल माइनस एक्स का एब्सोल्यूट. अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो दोनों का एब्सोल्यूट लेंगे, चूंकि एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे तो आप सिर्फ एक्स का एब्सोल्यूट लेंगे, सॉरी वाई का एब्सोल्यूट लेंगे, एक्स जो है वो वहां पे पॉजिटिव ही होता है. तो अब यहां से अगर हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट, अगर हम थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सो हमने बात कर ली कि हम जस्ट वैल्यूज को लेंगे नॉट साइंस. सो थीटा इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई आवर एक्स इज 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5. तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.5. अगर हमारे पास कैलकुलेटर देखें तो कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स पहले 1.5 लिखें, इनवर्स टेंजेंट सॉरी 1.5 इनवर्स, दिस इज इनवर्स और ये है टेंजेंट, दिस इज 56.3099, ठीक है, 56.3099. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये एंगल चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल अल्फा. लेट्स से अब अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा मेरे पास इक्वल आ जाएगा पाई माइनस 56.3099. तो लिहाजा अगर मैं माइनस 180 कर दूं, लेकिन हम साइन उसके साथ पॉजिटिव ही ले लेंगे, 123.6900. सो अल्फा इज इक्वल टू 123.6900. इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा 123.6900, ठीक है. फोर डेसिमल प्लेसेस तक मैं राउंड ऑफ को कंसीडर नहीं कर रहा इस टाइम, जस्ट हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, ठीक है. सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड. अब आप ये भी याद रखें कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो फिर हम यहां से एंगल लेते, तो क्या करते, दिस एंगल थीटा थीटा माइनस 180 कर देते, थीटा माइनस 180 कर देते, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम एंगल दे देता. अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो हम सिंपली नेगेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स कर लेते, कंसीडरिंग द एब्सोल्यूट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो स्ट्रेट अवे टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड. तो हमने देखा कि आर्गुमेंट, अगर आपका मॉडुलस किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करा हो तो हम उसका आर्गुमेंट बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कंसिडरिंग दीज थिंग्स, ठीक है. चले जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम क्विकली गो थ्रू करेंगे और फिर हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करेंगे और देखेंगे उससे मुतल्लिक क्वेश्चंस क्या है. चले, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो सिंपल सी हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज हैं. अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, यानी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट ले लें तो दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके आर्गुमेंट के सम के इक्वल होगा, उनके आर्गुमेंट के सम के इक्वल होगा. इसी तरह से अगर आर्गुमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोशेंट का ले लें तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है. ये छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. अगर आप आर्गुमेंट लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ, विल गेट जीरो एज एन आंसर. चले जी, अभी हम मूव करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर. व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 2, 2, यानी ये ई कैट के अंदर क्वेश्चन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 2, 2 और 319 डिग्रीज, देन फाइंड आउट the Cartesian coordinates. अब सबसे मजे की बात यह है कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि what is this 2 and what is this 319. देखें, ये 2 जो है ये है r, ठीक है, और ये 319 है, this is theta. What does it mean? क्या मतलब हुआ? देखें, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब हम प्लॉट करते हैं, जो हमारे पास जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है,
ठीक है, मैं यहां पे एक सिंपल दिस इज माय एक्स एक्सिस जो कि रियल एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है जो कि इमेजिनरी एक्सिस है, और यहां पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करता हूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जिसकी कोई भी सर्टन एक वैल्यू है, लेट्स सपोज दिस इज ए, ठीक है, या एक्स और दिस इज वाई, ठीक है, एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स इज द एक्स एक्सिस रियल एक्सिस एंड वाई इज द इमेजिनरी एक्सिस। अब इसको हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेके आएंगे तो हाउ कैन वी डू दैट, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स से इफ दिस इज आर, दिस इज आर जो कि आर्गुमेंट होता है, जो कि लेंथ है, जो कि इस केस में हाइपोटेनस है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि इफ दिस इज आर तो दिस इज, ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आर साइन थीटा, इसका मतलब है इस एक्स की जगह अगर मैं आर कॉस यूज करूं, आर कॉस थीटा यूज करूं, और इसकी जगह मैं यूज करूं आर साइन थीटा, तो जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस बिकम्स द पोलर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। अब इस पोलर फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अब इसमें cos r cos थीटा इज इक्वल टू x और r sin थीटा इज इक्वल टू y, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है, कैलकुलेटर हमारे पास है, बहुत सिंपल सा है, हम इसको कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं, बहुत सिंपल है, ठीक है, 2 cos 319, ठीक है, तो सब बल्कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ही चाहिए, तो दिस पे काम देखें, दिस पे काम पहले आप ले लें 319 और इसका ले लें cos मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, r cos थीटा, दिस बिकम 1.509, ये हो जाएगी x वैल्यू, दिस इज x वैल्यू, ठीक है, 1.5094, ये है x वैल्यू, और कॉमा व्हाट इज y वैल्यू, y वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 319 एंड sin मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस बिकम्स -1.312 -1.312 एंड ब्ला ब्ला जो भी है, सो ये हमारे पास बन जाएगी y वैल्यू यानी इमेजिनरी, इसका मतलब है ये पॉइंट लाई करेगा x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, सो यहां से देखें हमने बड़ी सिंपल यानी चार ऑप्शंस होंगी आपके पास, डिफरेंट नंबर गिवन होंगे तो आप ये वाली ऑप्शन जो है उसमें पिक कर लेंगे, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। सो व्हाट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मीन के जब हम x और y को रिप्लेस कराते हैं r और थीटा से तो दैट बिकम्स दी पोलर फॉर्म, ये कहलाती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम किसी भी पॉइंट पे पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पोल्स क्या होंगे, ठीक है, कंसिडरिंग के अगर हमें एंगल थीटा मालूम हो और अगर हमें r गिवन हो। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें डिमोबियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिमोबियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल सा थ्योरम है जो कि बात करता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, ठीक है, और अगर जस्ट सपोज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी पोलर फॉर्म में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो ये किसके, अगर हम इसकी पावर लेते हैं नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सपोनेंट्स किसके इक्वल होंगे, सिंपल वे में हम यूं कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, तो अगर हम यहां पे इसकी पावर ले लें एन, जेड की पावर एन कर लें, सो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आर रेस्ट पर एन हो जाएगा और कॉस थीटा एन टाइम्स थीटा हो जाएगा, इसी तरह प्लस आयोटा सॉरी यहां पे हम ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है, यहां पे भी ब्रैकेट लगेगी, आर कॉस यानी आर कॉमन है बेसिकली, तो आर एन कॉस एन थीटा प्लस आर एन साइन एन थीटा साथ क्या आ जाएगा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो एन टाइम्स थीटा इंक्रीज कर जाएगा कॉस और साइन का, और आर भी एन टाइम इंक्रीज कर जाएगा अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन कहता है कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें सिंप्लीफाई करें कॉस यानी ई कैट से क्वेश्चन में ले रहा हूं, कॉस 20 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 20 डिग्रीज होल पावर है यहां पे 5, और हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं किसके साथ, कॉस साइन 30 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 30 डिग्रीज
और होल पावर 3, और वो पूछता है व्हाट दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, कॉस 20 प्लस आयोटा साइन 20, कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30, कॉस 10 प्लस आयोटा साइन 10 और कॉस 20 माइनस आयोटा साइन 20। मैंने चार ऑप्शन आपको रीड कर दी। अब ये इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले तो हम डिमोवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्ट्रेट अवे, यानी जो एक्सपेरेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं पोलर फॉर्म के अंदर वो किसके इक्वल आ जाते हैं। अब यहां पे याद रहे कि r इज इक्वल टू 1 है यहां पे, बिकॉज इसलिए r यहां पे गिवन नहीं है, r इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है सर हम थीटा को n टाइम्स कर देंगे, तो दिस बिकम cos 20 टाइम्स 5 इज 100, cos 100 डिग्रीज, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 100 डिग्रीज, 100 डिग्रीज, और इसको डिविजन फॉर्म में लिखा जा रहा है, डिविजन फॉर्म में लिखा जा रहा है सेकेंड के साथ, जो कि है कॉस 30 टाइम्स 3 इज 90 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 30 टाइम्स 3 इज 90 डिग्रीज। अब फर्दर आ जाता है एप्लीकेशंस, यानी यहां तक तो हमने डिमोवियस थ्योरम अप्लाई कर लिया। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सेज कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड वन डिवाइड करें आप जेड टू के साथ, ठीक है। सो अगर हम इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो दिस बिकम्स, अगर मैं कॉस साइन, देखें आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई, इसको अगर मैं जनरल सिंपल फॉर्म में लिखूं तो दिस बिकम्स आर सिस थीटा, जिसमें इसका मतलब आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा विद आयोटा साइन, ठीक है। तो दिस बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, यहां पर देखें ये हमारे पास बन जाएगा R, this become, अगर R says theta 1 हो divided by R says theta 2 हो, तो complex numbers यानी डिमोवियस थ्योरम्स की application ये कहती है कि this will become equal to, यानी R1 चले R1 R2 कर लें, तो this becomes R1 by R2, और जो angle होगा वो क्या हो जाएगा, upper angle का difference ले लेंगे minus, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर लेंगे। अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, यानी जेड 1 टाइम्स जेड 2 हो जाएगा, तो जो थीटा होंगे वो आपस में दोनों के एंगल जो होंगे वो एड अप हो जाएंगे। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिमोवियस थ्योरम। तो इस पर्टिकुलर केस में हम जानते हैं कि डिविजन हो रही है, इसका मतलब है कि जो थीटा होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। दिस बिकम्स इक्वल टू कॉस 100 माइनस 90, 100 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 100 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। सो दिस बिकम्स इक्वल टू कॉस 10 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 10 डिग्रीज। तो ये ऑप्शन होगा, विच इज ऑप्शन सी, जो मेरे पास है वो है ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप डिमोवियस थ्योरम्स या उससे एप्लीकेशन से मुतालिक तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।